जय श्री कृष्णा राधे राधे। औरतों के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग चमक जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सिंदूर को बेहद पवित्र माना गया है। इसके अलावा इससे विवाहित महिलाएं की सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से सुहागन हमेशा सलामत रहता है। मांग में सिंदूर सिर्फ सुहागन की निशानी भी नहीं बल्कि आपके पति की किस्मत बदलने की ताकत भी रखता है। फिल्म ओम शांति ओम का ये प्रसिद्ध डायलॉग तो आपने सुना होगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगी रमेश बाबू। आज हमें आपको इसी ताकत के बारे में बता रहे हैं कि दरअसल शास्त्रों में सिंदूर लगाने के नियम बताया गया है जिन्हें अपनाना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे सिंदूर लगाने के नियम, तो आइए जानते हैं। पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो का एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अक्सर महिलाएं नहाने के बाद सबसे पहले पूजा के लिए बैठ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूरी लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती है उसके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सीधा में सिंदूर लगाना चाहिए। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच बीच में ही लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। माना जाता है कि टेढ़े मेढ़े सिंदूर लगाने से पति का भाग खराब हो सकता है। कई महिलाएं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे छिपाने की कोशिश करती है। हिंदू धर्म में ग्रंथों के मुताबिक मांग में सिंदूर भरना पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है। लिहाजा मांग भरने के बाद उन्हें कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है और बना बनाए परिवार बिगड़ सकता है। लिहाजा ऐसा करने से हमेशा बचने की कोशिश करें। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का रामरंध्र यानी मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत ही संवेदनाशील और कोमल होता है। यही वही स्थान है जहां महिलाएं सिंदूर लगाती है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुर्भाव से भी बचा होता है। सिंदूर में पारा धातु की अधिकता होती है जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। इससे महिलाओं के बढ़ती उम्र में संकेत नजर नहीं आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत जैसे करवा चौथ बट सावित्री पूजा और तीज करती है। ऐसे में इन व्रतों के दौरान सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी, इसलिए माँ को सिंदूर चढ़ाए जाता है। सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार माँ गौरी को चढ़ाए हुए सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।